वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव में कल हमने इसकी डेफिनेशन देखी, इसके प्रायोगिक निष्कर्ष देखे। थोड़ा सा एक क्विक रिकैप करते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की डेफिनेशन क्या है? जब भी किसी प्रकाश संवेदी पदार्थ पर, किसी प्रकाश संवेदी धातु पर एक विशिष्ट आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यदि परिपथ बंद हो तो परिपथ में एक धारा बहती है जिसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं, और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह परिघटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। हमने इसके एक्सपेरिमेंटल फैक्ट देखे। इन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को समझाने की कोशिश की गई उस समय प्रचलित चिरसम्मत फिजिक्स द्वारा, लेकिन भौतिकी का चिरसम्मत सिद्धांत इसे समझाने में असफल हो गया। किस तरह से असफल हुआ, कौन कौन से बिंदुओं को समझा नहीं पाया, ये चीज़ आज हम पढ़ेंगे। देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में तरंग सिद्धांत की असफलता। पहला पॉइंट, प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल ई बढ़ता है, अतः उसकी गतिज ऊर्जा बढ़नी चाहिए। परंतु प्रयोगों से ज्ञात हुआ कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अर्थात निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। देखो, समझिए इस टॉपिक को, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर, चूँकि प्रकाश को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माना जाता है जिसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र टाइम के साथ और स्पेस के साथ वेरी करते हैं, यदि तीव्रता बढ़ेगी इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर लगने वाला फोर्स F=qE अर्थात ई वो बढ़ना चाहिए, और वो यदि बढ़ना चाहिए तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़नी चाहिए। लेकिन प्रयोगों से ये देखने में आया कि इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है अर्थात जो निरोधी विभव है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। दूसरा पॉइंट, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाकर किसी भी आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव देखा जा सकता है, परंतु प्रायोगिक परिणाम ये बताते हैं कि ऐसा केवल दहली आवृत्ति से ऊपर ही संभव है। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ फिजिक्स जो है वो ये कहती है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता यदि बढ़ाई जाएगी तो तीव्रता बढ़ेगी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा और फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है वो बढ़ेगा। तो किसी भी आवृत्ति पर यदि हम तीव्रता बढ़ाएं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न होना चाहिए, परंतु प्रायोगिक निष्कर्ष में हमने देखा था कि दहली आवृत्ति से नीचे यदि आवृत्ति है तो तीव्रता चाहे कितनी भी बढ़ाई जाए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। तो ये पॉइंट भी समझा नहीं जा सका क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा। तीसरा पॉइंट है, तरंग सिद्धांत के अनुसार तरंग ऊर्जा संपूर्ण तरंगागर में वितरित होती है, अतः इलेक्ट्रॉन को इसका कुछ ही अंश प्राप्त होगा। अतः निम्न तीव्रता पर प्रकाश तरंग से प्राप्त पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने में कुछ समय लगना चाहिए, परंतु प्रायोगिक तथ्य ये बताते हैं कि समय पश्चिता नहीं होता। क्या कहते हैं ये पॉइंट? ये वेव थ्योरी जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये कहती है कि तरंगाग्र की जो संपूर्ण ऊर्जा है, तरंग की जो ऊर्जा है वो तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट में वितरित होती है। जब भी वेव फ्रंट धातु के ऊपर आपतित होगा तो सभी इलेक्ट्रॉनों को उसका कुछ 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 पार्ट मिलेगा,
यदि तीव्रता कम है, इंटेंसिटी यदि लो है, तो एक तरंग अगर गिरने से इलेक्ट्रॉन को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलेगी, अतः उसको पर्याप्त ऊर्जा मिलने में थोड़ा समय लगना चाहिए और तब कहीं जाके इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहिए। लेकिन हमने एक्सपेरिमेंटल फैक्ट देखे थे, उनमें ये देखने में आता है कि जैसे ही प्रकाश डाला जाता है धातु पे, तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं और कोई समय बचना नहीं। तो ये बात भी क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा नहीं समझाई जा सकी। तो ये तीन महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिनको क्लासिकल फिजिक्स द्वारा जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकी। क्या क्या पॉइंट थे? कि तीव्रता बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की बढ़नी चाहिए, वो भी नहीं बढ़ती। गतिज ऊर्जा का संबंध निरोधी विभव से है, तो वो तीव्रता पर निर्भर करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और आवृत्ति चाहे कुछ भी हो, तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन को बाहर आना चाहिए, अर्थात डेली आवृत्ति का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रयोगों में देखा गया कि डेली आवृत्ति इससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता, चाहे तीव्रता कितनी भी बढ़ा लें। और लास्ट पॉइंट ये था कि वेव थ्योरी के अनुसार जो तरंग की ऊर्जा है वो संपूर्ण तरंगागर में वितरित होती है, अतः इलेक्ट्रॉन द्वारा पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर बाहर निकलने में कुछ टाइम लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन बातों को समझा नहीं जा सका, तब इसे समझाने की कोशिश की गई उस समय नई नई डेवलप होने वाली क्वांटम फिजिक्स के द्वारा। और आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया। देखिए इस प्रकार, आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या। आइंस्टीन ने सन 1905 में ये बताया कि प्रकाश की ऊर्जा तरंगाग्र में फैली हुई नहीं होती, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा पैकेट जिन्हें क्वांटा कहते हैं के रूप में होती है। यानी आइंस्टीन ने क्वांटम थ्योरी का उपयोग किया, जिसके आधार पर हम ये जानते हैं कि वो कहता है कि प्रकाश तरंग के रूप में नहीं बल्कि क्वांटा के रूप में चलता है, फोटोन के रूप में चलता है, और प्रकाश की जो ऊर्जा है वो छोटे छोटे पैकेट्स से मिलकर बनी होती है जिन्हें फोटोन या क्वांटा कहते हैं। न्यू आवृत्ति के एक विकिरण की ऊर्जा E बराबर एच न्यू होती है, जहां H बराबर प्लैंक नेतांक 6.62×10⁻³⁴ जूल सेकेंड, ये प्लैंक नेतांक है। इस सिद्धांत से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या इस तरह से की गई। तो आइंस्टीन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए क्वांटम थ्योरी का उपयोग किया, और क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे फोटोन या क्वांटा से मिलके बना है, और जिसकी ऊर्जा फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। एक फोटोन की ऊर्जा फ्रिक्वेंसी की एच गुना होती है, यानी एच टाइम्स न्यू। तो इसके द्वारा देखिए किस तरह से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। नंबर एक, जब धातु पृष्ठ के भीतर कोई इलेक्ट्रॉन पर्याप्त ऊर्जा का फोटोन ग्रहण करता है, तो वह पृष्ठ से तुरंत बाहर निकलता है, अतः कोई समय बचता नहीं। बड़े सिंपल शब्दों में इसे समझाया जा सका। सबसे पहले टाइम लैग वाले कॉन्सेप्ट को, क्लासिकल थ्योरी ने यह कहा कि समय लगना चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में, क्योंकि वेव फ्रंट में ऊर्जा होती है और उसका पूरा का पूरा पार्ट इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को नहीं बल्कि कई इलेक्ट्रॉनों में बंटता है, तो इलेक्ट्रॉन को पर्याप्त ऊर्जा लेके बाहर निकलने में टाइम लगना चाहिए। लेकिन क्वांटम थ्योरी ने यह कहा कि प्रकाश फोटोन के रूप में चलता है और एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से ही क्रिया करता है, 1-to-1 रिएक्शन होती है। यदि फोटोन में पर्याप्त ऊर्जा है तो इलेक्ट्रॉन तुरंत उस ऊर्जा को लेकर बाहर निकलेगा, और यदि उसमें ऊर्जा नहीं है, पर्याप्त ऊर्जा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, चाहे तीव्रता कितनी भी हो। तो टाइम लैग वाला कॉन्सेप्ट इससे समझ में आ गया कि दो ही बातें हैं, या तो फोटोन में इतनी ऊर्जा है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकलेगा जैसे ही फोटोन उस पर आपतित होगा, और यदि फोटोन कमज़ोर है, उसमें इतनी ऊर्जा नहीं है,
उसकी फ्रिक्वेंसी डाउन है, उसकी डेली तरंग डेली आवृत्ति से कम फ्रिक्वेंसी है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। यानी यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो कोई टाइम नहीं लगेगा, जैसे ही टॉन आपतित होगा तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। दूसरी बात, फोटोन की ऊर्जा एच न्यू होती है जो आवृत्ति पर निर्भर करती है, न कि तीव्रता। फोटोन सिद्धांत ने क्या कहा कि फोटोन की ऊर्जा है वो तीव्रता पर डिपेंड ही नहीं करती, जबकि क्लासिकल थ्योरी के अनुसार जो ऊर्जा होती है तरंग की वो तीव्रता पर डिपेंड करती है। क्वांटम थ्योरी के अनुसार ऊर्जा है वो आवृत्ति पर डिपेंड करती है, न कि तीव्रता पर। अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मैक्सिमम जो गतिज ऊर्जा है, जिसका सीधा सीधा संबंध होता है निरोधी विभव से, वो भी आवृत्ति पर निर्भर करेगा न कि तीव्रता पर। निरोधी विभव क्या होता है? जब हम कैथोड को ऋणात्मक विभव की बजाय धनात्मक विभव दे दें और एनोड को ऋणात्मक कर दें, तो इलेक्ट्रॉन एनोड से प्रतिकर्षित होने लगते हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, यानी एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंचता, उस विभव को निरोधी विभव कहते हैं। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उनकी गतिज ऊर्जा निरोधी विभव की संगत विद्युत स्थिति ऊर्जा के बिल्कुल बराबर होती है। तो यहाँ से गतिज ऊर्जा माप सकते हैं हम। तो चूँकि गतिज ऊर्जा जो है वो फोटोन की आवृत्ति पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा फोटोन ने दी और फोटोन की ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी आवृत्ति पर निर्भर करती है। इसलिए निरोधी विभव वी जीरो है वो भी आवृत्ति पर निर्भर करेगा, न कि तीव्रता। और ये बात भी अच्छी तरह से समझाई जा सकी। तरंग सिद्धांत यहाँ फेल हो गया था। तरंग सिद्धांत के अनुसार तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता पर निर्भर करनी चाहिए, इसलिए जो निरोधी विभव है वो भी तीव्रता पर निर्भर करना चाहिए। इस समस्या का समाधान भी हो गया। फोटोन की आवृत्ति एच न्यू, ऊर्जा न्यू पे डिपेंड करेगी आवृत्ति पे, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आवृत्ति पे डिपेंड करेगी, अतः निरोधी विभव भी आवृत्ति पर डिपेंड करेगा। तीसरा कॉन्सेप्ट, डेली आवृत्ति एवं कार्यफलन। कार्यफलन क्या है? किसी धातु ब्रश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा धातु का कार्यफलन कहलाता है। कार्यफलन क्या है? किसी धातु ब्रश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, ठीक इलेक्ट्रॉन धातु ब्रश से बाहर निकल जाए इतनी ऊर्जा, वो कहलाती है धातु का कार्यफलन। कार्यफलन की अवधारणा डेली आवृत्ति की आवश्यकता को समझाती है। यदि किसी धातु विशेष के लिए डेली आवृत्ति न्यू जीरो है तो कार्यफलन क्या हो जाएगा? पाई बराबर एच न्यू जीरो। तो यहाँ से डेली आवृत्ति और कार्यफलन दोनों समझ में आते हैं। अर्थात कार्यफलन क्या चीज़ है? कि इतनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के पास होगी वो ठीक धातु से बाहर आ जाए, इसे कार्यफलन कहते हैं। तो यहाँ से डेली आवृत्ति समझ में आती है, यानी फोटोन की यदि आवृत्ति डेली आवृत्ति के बराबर है तो इतनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी कि वो धातु ब्रश से ठीक बाहर आ जाए। तो और यदि इससे कम हुई आवृत्ति तो कार्यफलन से कम ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो धातु ब्रश से बाहर ही नहीं आएगा और प्रकाश विद्युत प्रवाह उत्पन्न ही नहीं होगा। तो न्यू जीरो आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का फोटोन आपतित होने पर ही इलेक्ट्रॉन धातु ब्रश से उत्सर्जित होगा, चाहे तीव्रता कुछ भी हो। तो यहाँ से डेली आवृत्ति कार्यफलन दोनों की जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी ऊर्जा है वो फोटोन द्वारा दी गई है और फोटोन की ऊर्जा है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर निर्भर ही नहीं करती। तो फोटोन की आवृत्ति यदि डेली आवृत्ति से कम है तो इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी कि वो धातु ब्रश से बाहर निकले। तो कार्यफलन के बराबर ऊर्जा यदि मिलेगी तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा,
अर्थात यदि आवर्ती रैले आवर्ती से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को उसके कार्य फलन के बराबर ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और वो बाहर नहीं आएगा और प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं। तो इससे स्पष्ट है कि यदि आपके प्रकाश की आवृत्ति अर्थात फोटोन की आवृत्ति यदि रैले आवृत्ति से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उत्पन्न नहीं होगा। तो ये हमने देखा दोनों चीज़ें, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में तरंग सिद्धांत की असफलता और साथ ही क्वांटम सिद्धांत के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। थैंक यू, धन्यवाद।